स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बंसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक का सेकंड लेक्चर कवर करेंगे जो कि हमारी अरिथमेटिक सीरीज का पार्ट है फॉर RRB NTPC SSC पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स और अगर कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। स्पेशली RRB SSC और पंजाब गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज हमने तैयार की है जो कि तीन लैंग्वेजेस में हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी के अंदर, जो कि किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा तीन लैंग्वेजेस के अंदर क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो इम्पॉर्टेंट सीरीज है, इसके अंदर हमने पहले भी 5-6 वीडियोस कवर की हैं, तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें अगर आप अपना RRB NTPC को टारगेट करना चाहते हैं या फिर SSC मेंस को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 2। हाँ जी, क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, इन सर्टेन इयर्स अ सम ऑफ मनी इज डबल इटसेल्फ एट 6 होल 1/4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है जी, कहते कोई पैसा हमने किसी को दिया तो वो डबल हो रहा है जी, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डबल हो रहा है, 6 होल 1/4% यानी 6.25%। ठीक है जी, डबल हो रहा है तो कितने टाइम में वो चीज डबल होगी ये हमें कैलकुलेट करके बताना दोस्तों। अब इसमें एक फॉर्मूला में यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, या इसको हम ऑरली कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके लिए हमें क्या करना है, ऑरली क्वेश्चन को करने के लिए फ्रैक्शन यूज करनी है। हमें पता है कि जो 6.25% है इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों, 1/16। ठीक है जी, यानी 16 साल लगेंगे उसको 100% बनने में। ठीक है जी, 16 साल में वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 100% हो जाएगा। सिर्फ हमें ये फ्रैक्शन को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन का जो भी डिनोमिनेटर बन रहा है उतने साल में वो 100% इंटरेस्ट हो जाएगा। तो जब वो 100% इंटरेस्ट हो जाएगा तो यानी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 16 साल, ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसानी से आप ऑरली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर आपको फ्रैक्शन पता है। अदरवाइज एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, T = N-1/R × 100, इसको भी यूज कर सकते हैं। एन यानी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स वैल्यू बन रही है, तो इसके इसमें डबल है तो 2-1, रेट कितना है दोस्तों, 6.25 × 100। तो ये मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, 1/6.25 × 100, तो कितना आ गया दोस्तों, 16। तो जो भी आपको सही लगे आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, या तो आप डायरेक्टली फ्रैक्शन या फिर ये फॉर्मूला। आइए अगला क्वेश्चन, अ सर्टेन सम विल अमाउंट टू 12,100 इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, तो सम कितना होगा दोस्तों। हमें अमाउंट बताई गई है 12,100, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है 10% पर एनम। ठीक है जी, टाइम भी बताया गया है 2 साल। ठीक है, हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करके बताना है। तो बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन बनता दोस्तों, ये रेट को हमें ध्यान में रखना है 10%। 10% के हिसाब से अगर 2 बार इंटरेस्ट लगेगा तो टोटल कितना इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, 21%। ये परसेंटेजेस के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उस पर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, तो आप वो वीडियोस जरूर देखें। ठीक है जी, टोटल इंटरेस्ट 21% लगेगा, यानी 2 साल में 21% जब इंटरेस्ट बनेगा तो अमाउंट कितने परसेंट हो जाएगी दोस्तों, 121%। तो हमें 121% की वैल्यू पहले से ही पता है, तो 100% की वैल्यू में निकालनी है, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू में निकालनी है, तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 8 ईयर्स इज 840। किसी प्रिंसिपल के ऊपर 5% रेट पे 8 साल में जो इंटरेस्ट बन रहा है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 840। तो वो बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर्स। कहते किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 5 साल के अंदर हमें सेम इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, यानी इंटरेस्ट वैल्यू तो सेम रहेगी दोस्तों, 840 840। तो इधर टाइम 5 साल कर दिया,
ठीक है, रेट मिसिंग है तो करना क्या, अगर हम टोटल ब्याज देखें दोस्तों पहले केस में कितना बन रहा है दोस्तों, 40% बन रहा है, 5 × 8 हर साल 5% के हिसाब से। तो अगर प्रिंसिपल सेम रहा, इंटरेस्ट सेम रहा, तो इधर भी 40% ही इंटरेस्ट होना चाहिए। तो 40% इंटरेस्ट है 5 साल के अंदर, तो कितना टाइम रेट लगेगा दोस्तों, 8% रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो रेशो इनकी बनती है वही सेम इधर मेंटेन रहनी चाहिए सेम इंटरेस्ट होने के कारण। तो 5 × 8, 8 × 5, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8%। आइए अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम। अब हमें प्रिंसिपल भी पता है दोस्तों 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है 5%, टाइम भी पता है दोस्तों 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 5% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पे करना है, 2 बार इंटरेस्ट पे करना है, तो दोस्तों 2 बार में 5% के हिसाब से टोटल कितना इंटरेस्ट बनता है, 10.25%। तो हमें 25,000 का 10.25% निकालना है दोस्तों। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देखते हैं, 25,000 का 10% कितना होता है दोस्तों, 2,500 रुपये, और उसके अलावा 25,000 का हमें 0.25% निकालना है, यानी 1% निकाल के उसका 1/4 करना है हमें। तो 25,000 का 1% बनेगा 250, और 250 रुपये का 1/4 कितना होगा, 62.5। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 2,562.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं, अलिप्ता गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हर फादर, अलिप्ता को अपने फादर से कुछ पैसा मिला, कितने सालों में, ठीक है जी, रेशियो ऑफ मनी यानी वो सम और जो इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड है वो कितनी रेशियो में होंगे, 10:3 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल और जो सिंपल इंटरेस्ट की रेशियो बताई गई है दोस्तों वो कितनी बताई गई हमें, 10:3। तो अगर 10 रुपीज के ऊपर 3 रुपए ब्याज बन रहा है दोस्तों, तो कितना ब्याज बन गया जी टोटल, 30% ब्याज बन गया, टोटल ब्याज 30% हो गया, ठीक है। और ये ब्याज हर साल कितना लगेगा दोस्तों, 6%, तो 30% टोटल इंटरेस्ट लगना है, हर साल 6% इंटरेस्ट लगना है, तो कितने साल में लगेगा दोस्तों, 5 साल में। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि आइए नेक्स्ट देखते हैं, अ सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, कोई पैसा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया वो 2 साल के अंदर डबल हो जाता है, तो हमें ये बताना है कितने साल लगेंगे उसको 4 गुना होने के लिए। बहुत सिंपल है ये, हमने पहले की वीडियोस में भी कवर किया क्वेश्चन, कि अगर 100 रुपया किसी को हमने दिया तो वो डबल हो रहा है, 200 बन रहा है, कितने साल में डबल हो रहा है दोस्तों, 2 साल के अंदर डबल हो रहा है जी, ठीक है। तो अब ये जो 200 बना इसको अगला डबल होने में अगले 2 साल लगेंगे, यानी जो 100 रुपये स्टार्टिंग प्रिंसिपल था अब उसकी वैल्यू 400 हो चुकी है, यानी 4 गुना होगी, 4 टाइम्स, और टोटल इयर्स कितने लगे जी, 4 साल। तो उसने यही पूछा था कि 4 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 4 साल, ऑप्शन बी। आइए अगला देखते हैं, सम ऑफ रुपीज एक्स वॉज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टन रेट फॉर 2 ईयर्स, हमने कोई पैसा 2 साल के लिए किसी को सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, अगर वो ही पैसा हम 3% ज्यादा रेट पे देते दे तो हमें कितना ज्यादा मिलता इंटरेस्ट, 300 रुपये इंटरेस्ट ज्यादा मिलता, हमें 4x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए दोस्तों, हमने 2 साल के लिए किसी बंदे को पैसे दिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, अब उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3% मुझे ज्यादा कमाना है, यानी मुझे हर साल कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, 3%, हर साल कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आएगा मुझे, 3%। तो 2 साल का पीरियड है तो 2 साल में कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आ जाएगा, 6%, यानी मुझे इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, और इसकी वैल्यू हमें बताई गई है दोस्तों कितनी है, 300 रुपये, ठीक है। तो यहां से हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, यानी 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, सॉरी 5,000 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, 100% की वैल्यू, ठीक है। अब
हमें इंटरेस्ट मिल चुका है दोस्तों, सॉरी प्रिंसिपल। अब x की वैल्यू ये बनती है 5000। अब हमें पूछा क्या गया दोस्तों, 4x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 5000 है, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20000। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी। आई अगले पे चलते हैं। पर्सन लेंट सर्टन अमाउंट ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड इन 15 ईयर्स इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹250 लेस देन दैट द सम, व्हाट इज द सम। ठीक है जी, कहते हमने किसी को पैसा दिया उधार, कितने रेट पे दिया दोस्तों, 5%। कहते 15 साल में जो उसकी अमाउंट बनी वो ₹250 कम है किससे, सम से। ठीक है जी, इंटरेस्ट की वैल्यू, सॉरी इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी बनी, ₹250 कम बनी प्रिंसिपल के मुकाबले। अब देखो दोस्तों, हर साल 5% लगेगा, 15 साल का टाइम है, तो टोटल जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितने परसेंट बनेगा दोस्तों, 75% इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, अब ये जो, और प्रिंसिपल की वैल्यू कितने परसेंट होती है दोस्तों, 100%। ठीक है, यानी जो इंटरेस्ट बना वो इस प्रिंसिपल से कितना कम बना जी, 250। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया कि इंटरेस्ट की वैल्यू प्रिंसिपल के मुकाबले ₹250 कम है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है 100% और 75% का, वो कितना बन रहा है दोस्तों, 25%। तो 25% की वैल्यू कितनी के बना हमें, 250। हमें सम यानी प्रिंसिपल निकालना है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1000। यानी कि ऑप्शन नंबर एक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट। 5 साल में 3 गुना पैसा हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो हमें बताना है 5 गुना होने में उसको कितना टाइम चाहिए। तो ये हमने जो पहला क्वेश्चन, इससे पहले एक क्वेश्चन किया था वो कंपाउंड इंटरेस्ट का था दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मेथड हम देखते हैं कैसे, प्रिंसिपल है हमारे पास, अमाउंट है, इंटरेस्ट है और टाइम है। ठीक है जी, ये हम ट्रिक यूज करेंगे इसके लिए। मान लीजिए ओरिजिनल प्रिंसिपल पी, पहले केस में वो ट्रिपल हो रहा है जी, ट्रिपल यानी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 3p। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों, 2p, 3p में से p माइनस करके कितने साल लगे दोस्तों, 5 साल लगे। दूसरे केस में भी प्रिंसिपल तो p है, इस बार हमें 5 times करना है, यानी अमाउंट इस बार कितनी होगी, 5p। तो इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, 4p। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे रेशो का, सिंपल इंटरेस्ट की रेशो देखो डबल हो रहा है जी, 2p से 4p, तो टाइम भी डबल हो जाएगा, कितने साल लगेंगे, 10 साल। तो हमारा आंसर हुआ 10। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट और टाइम की जो रेशो होती है दोस्तों वो हमेशा सेम रहती है फॉर द सेम प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई अगला देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हाफ ईयरली फॉर 1 year एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 8% पर एनम इज 64, व्हाट इज द सम। ठीक है दोस्तों, हमें डिफरेंस बताया गया, किस चीज का डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम हाफ ईयरली चार्ज करते हैं, ठीक है जी, और सिंपल इंटरेस्ट के बीच पूरे 1 साल का। ठीक है जी, टाइम पीरियड 1 साल है और कंपाउंड इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली चार्ज कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट एनुअली चार्ज कर रहे हैं। इनका डिफरेंस हमें बताया गया दोस्तों ₹64 का। ठीक है, हमें सम बताना है प्रिंसिपल। आइए अब परसेंटेज उठाते हैं दोस्तों, परसेंटेज के साथ ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 8% के बना में, यानी पूरे साल का 8% इंटरेस्ट लगेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट तो 8% लगेगा। बट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे करेंगे तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हम 4% करके 2 बार पे करेंगे, तो a+b+a+b के ab/100 के साथ हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा यहाँ पे, 8.16%। यानी जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 8.16%, और सिंपल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 8%। तो कितना डिफरेंस हुआ दोस्तों, 0.16% का। तो इसकी वैल्यू हमें डिफरेंस की गिवन है ₹64। हमें 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 400 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 40,000। तो प्रिंसिपल कितना हुआ दोस्तों इस केस में, ऑप्शन नंबर ए 40,000। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ ₹400 बिकम्स 448 एट सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years
इन हाउ मेनी इयर्स विल द सम ऑफ मनी विल सम ऑफ 550 अमाउंट टू 682 एट द सेम रेट। देखो दोस्तों दोनों केसेस में रेट सेम रखना है, ठीक है। तो पहले केस में प्रिंसिपल 400 और अमाउंट 448, यानी इंटरेस्ट कितना मिला 48 रुपीज का, ठीक है। ये इंटरेस्ट कितने प्रिंसिपल पे मिला 400, तो ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला हमें जी 12% इंटरेस्ट मिला, ठीक है जी। अब 12% इंटरेस्ट दोस्तों कितने साल में मिला है जी, 2 साल में, तो पर ईयर इंटरेस्ट कितना होगा 6%। अब हमें बताना है कि 6% इंटरेस्ट के ऊपर 550 प्रिंसिपल की अमाउंट 682 बनने में कितना टाइम लगेगा, टाइम हमें बताना है। तो अगले केस में जो इंटरेस्ट बन रहा है दोस्तों वो कितना बन रहा है 132 रुपीज, प्रिंसिपल कितना है जी 550, रेट हमने कैलकुलेट किया 6%, टाइम हमें पता करना है। तो टाइम यहां से हम कैलकुलेट कर देंगे जी, ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होके 4। कितने साल लगेंगे दोस्तों 4 साल लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 5 ईयर्स इज 3/5 ऑफ द सम, फाइंड द रेट, ठीक है जी। कहते जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है 3/5 ऑफ द सम। तो ऐसे क्वेश्चन में हम फ्रैक्शन को ही यूज कर ले दोस्तों। मान लीजिए सम आपका 5 रुपए है, सम यानी प्रिंसिपल आपका 5, तो उस पर ब्याज कितना मिल रहा है 3 रुपए। तो 5 रुपए के ऊपर आपको 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, यानी टोटल ब्याज कितना मिल रहा है आपको 60%। ये आपका इंटरेस्ट आ गया, कितना इंटरेस्ट मिला आपको टोटल 60% इंटरेस्ट मिला और 5 साल के अंदर मिला है, तो हर साल कितना मिलेगा दोस्तों 12%। सिर्फ फ्रैक्शन से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,500 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली फॉर 2 ईयर्स, ठीक है जी। 2 साल का हमें बताना है 12% के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 12,500 है, ठीक है जी। तो अगर 12% के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे इंटरेस्ट ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 के साथ, तो टोटल इंटरेस्ट दोस्तों बनता है 25.44%, यानी इतना इंटरेस्ट बनेगा। तो हमें 12,500 का 25.44% वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ये सॉल्व करके हमारे पास दोस्तों आएगा 3180, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हमने 12% रेट को इस फॉर्मूला में पुट करके टोटल इंटरेस्ट पता कर लिया कितना बनता है 25.44%। आइए अगले की तरफ चलते हैं। An amount was lent for 2 years at 20% per annum compounded annually. Had the compounding been done half yearly, interest would have increased by 241. What was the amount lent? Principal निकालना है। कहते हमने कोई पैसा 20% per annum के हिसाब से दिया for 2 years, हर साल 20%। कहते अगर ईयरली की बजाय हम हाफ ईयरली ब्याज लगाएंगे हर 6 महीने के बाद, तो इंटरेस्ट 241 रुपए ज्यादा बनेगा। तो कितना पैसा हमने दिया, तो सिंपल दोस्तों अगर तो हम 20% को एनुअली देंगे ब्याज, तो 2 साल के अंदर टोटल ब्याज कितना होगा 44%। ये वही हमें याद रखना है, 10% के हिसाब से 2 बार लगे, सॉरी 20% के हिसाब से 2 बार लग रहा है, तो 44। अब 20% को हाफ ईयरली अब के अकॉर्डिंग जब हम देंगे कितने बार देना पड़ेगा 2 साल में, 4 बार ब्याज देना पड़ेगा जी। अब तो 10% 10% 10 10, 4 बार हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 10% के हिसाब से 4 बार जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनता है 46.41। तो यहां से हम देख सकते हैं कि डिफरेंस दोनों के अंदर कितना आ रहा है 2.41% का। तो ये डिफरेंस हमें बताया गया कितने रुपीज है 241। तो 2.41 की वैल्यू में पता है प्रिंसिपल निकालना है, यानी 100% की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों ये सॉल्व करके 10,000 रुपए प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर ए 10,000 होगा। आइए अगला देखते हैं।
सम ऑफ रुपीज 18,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 16 मंथ। 18,000 रुपए को हमने 16 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, कितने रेट पे दोस्तों? 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कितना परसेंट फायदा हो जाएगा 16 महीने के अंदर? हमें एक होल नंबर बताना, नियरेस्ट होल नंबर कितना होगा, यानी हमें दोस्तों सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि 16 महीने में कितना इंटरेस्ट बनेगा अगर हम हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी के साथ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, 18,000 को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हाफ ईयरली पे करेंगे तो पहले 6 महीने में 4% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दूसरे 6 महीने भी 4% पे करना पड़ेगा। अब एक साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद 4 महीने अभी और भी पेंडिंग है, तो 4 महीने का इंटरेस्ट और पे करना पड़ेगा। तो 4 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा 8/3%, क्योंकि पूरे साल का 8% है, तो 4 महीने यानी 1/3 हिस्सा। तो बाकी टाइम जो बचा 4 महीने, उसमें कितने परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 8/3, यानी ये 2.66% हो जाएगा। तो ये हमें 3 बार इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इसको अब ए प्लस बी के साथ हम मर्ज करेंगे। तो पहले हम 4+4 पे लगाते हैं जी, ये हो जाएगा 8.16%। तो पहले एक साल के अंदर इतना इंटरेस्ट बनेगा, अब इसके अंदर अभी जो 4 महीने और पड़े हैं उसका इंटरेस्ट जोड़ेंगे, वो बनता है 2.66। 8.16 × 2.66/100, थोड़ा कैलकुलेटिव बनेगा दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये लगभग हमारे पास सॉल्व होके दोस्तों आ जाता है 11% के आसपास। ठीक है जी, तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लगभग वो हमें कितना पे करना पड़ेगा दोस्तों? 11% के आसपास। आइए अगला, 12,800 का एक सम, उसका कुछ हिस्सा हमने 15% इंटरेस्ट पे लगाया, कुछ हिस्सा 12% इंटरेस्ट पे लगाया। 3 साल बाद हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 5,085। तो हमें बताना है 15% पे कितना इंटरेस्ट, कितना प्रिंसिपल हमने लगाया। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमने पहले भी एक ट्रिक के साथ इसको क्वेश्चन को किया था। आइए देखते हैं, तो 12,800 टोटल प्रिंसिपल है दोस्तों, इसमें से कुछ हिस्सा हम 15% पे लगाएंगे, कुछ हिस्सा हम 12% पे लगाएंगे। अगर इन दोनों में से मिनिमम देखें 12% है, यानी 12,800 जो टोटल प्रिंसिपल है इसके ऊपर 12% इंटरेस्ट तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा मुझे, चाहे वो 15 के केस में भी देखो, क्योंकि 12+3 बनेगा ये, तो 12% मिनिमम इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना हर साल, 3 साल का टाइम है, 12% मिनिमम इंटरेस्ट है, तो मिनिमम 36% इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हम पहले 12,800 का 36% एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। तो 12,800 का जब 36% हमने कैलकुलेट किया, ये आ रहा हमारे पास 4,608, यानी इतना मिनिमम इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना। अब हमें टोटल इंटरेस्ट मिला कितना है दोस्तों? 5,085। तो 5,085 में से जो हमें मिनिमम मिला 4,6, वो माइनस करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट बचा हुआ वो मिल जाएगा, और ये माइनस करने पे आ रहा है 4,77। तो ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बचा दोस्तों जो हमें अभी मिलना है, तो वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दोस्तों कितना है जी? ये 3% हर साल। तो 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है हर साल का, 3 साल में कितना हो जाएगा? 9%। तो ये जो हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला ये पहले प्रिंसिपल पे मिल रहा है, तो उसके उसमें 9% का हमें एक्स्ट्रा, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है दोस्तों? 4,77। तो यहां से इसका प्रिंसिपल टोटल निकाल देंगे 100%, तो कितना आ जाएगा? 4,77/9 × 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 5,300, यानी जो प्रिंसिपल हमने 15% इंटरेस्ट पे दिया उसकी वैल्यू कितनी थी? 5,300 रुपीज, यानी ऑप्शन नंबर ए। आई अगला देखते हैं, ए ने 3,000 रुपए बोरो किए अपने फ्रेंड से कितनी डेट को? 31 दिसंबर 2007 को। इस कंडीशन पे कि वो उसको सारा पैसा एक साल बाद रिटर्न कर देगा, कितना इंटरेस्ट लगा के? 15% इंटरेस्ट लगा के। हाउएवर ए ने वो सारा का सारा पैसा 31 अगस्त को ही वापस कर दिया 2008। तो हमें बताना है हाउ मच अमाउंट हैड ए टू रिटर्न टू बी, ए बी को कितना पैसा वापस करेगा? एक साल के लिए पैसे लिए थे,
बट उसने वो सारे के सारे पैसे दोस्तों 8 महीने में ही रिटर्न कर दिए। यानी हम इंटरेस्ट सिर्फ 8 महीने का ही चार्ज करेंगे, कितने प्रिंसिपल के ऊपर, 3,000। 3,000 हमारा प्रिंसिपल, 15% रेट, 8 महीने का हमारे पास टाइम है। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2, 3, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 300 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, 300 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो अमाउंट कितनी वापस करेगा वो, 3,300 रुपीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 19.2। हमें डिफरेंस बताया गया दोस्तों कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बीच, 2 साल का डिफरेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिफरेंस पता, तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2 ईयर्स के डिफरेंस का। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, डिफरेंस इज इक्वल टू पी इंटू आर बाय 100 होल स्क्वायर। तो डिफरेंस भी हमें पता है 19.2 है, प्रिंसिपल मिसिंग है एक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 बाय 100। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं जी, तो 19.2 इंटू 10,000 बाय 64 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा दोस्तों 3,000। तो कितना प्रिंसिपल था दोस्तों, 3,000 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी। आई अगला देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज ₹9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगेन सेम क्वेश्चन जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, वही सेम फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं, ठीक है। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आइए अगला ट्राई करते हैं। 10,000 रुपये का टोटल सम 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया गया सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने कितने परसेंट है, 4%, 6% और 10%। 4,000 हमने इन्वेस्ट किया पहली स्कीम के अंदर, टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड आफ्टर 5 ईयर्स कितना है दोस्तों, 2,800 रुपए। हमें बताना है थर्ड स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। अब देखिए दोस्तों, टोटल 10,000 रुपए प्रिंसिपल बनता था, उसमें से 4,000 तो पहली स्कीम में इन्वेस्ट हो गया, यानी बाकी कितना बचा दोस्तों, 6,000। 6,000 जो है वो सेकंड और थर्ड स्कीम में जाएगा। पहली स्कीम पे 4% इंटरेस्ट मिलता है, 5 साल का टाइम है दोस्तों। तो पहली स्कीम मान लीजिए स्कीम ए, 4%, 5 साल का टाइम, तो 20% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4,000 हमने इन्वेस्ट किया था स्कीम ए में, 20% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी स्कीम ए का 800 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। यानी जो टोटल इंटरेस्ट हमें 2,800 रुपए मिल रहे हैं, उसमें से 800 रुपए तो स्कीम ए से मिले, बाकी 2,000 जो इंटरेस्ट बचा, ठीक है जी, वो हमें मिल रहा है दोस्तों सेकंड और थर्ड स्कीम के अंदर। अब उसका हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं दोस्तों इस केस के अंदर बहुत आराम से। आइए देखते हैं, दूसरी स्कीम में हमें 6% इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे पास प्रिंसिपल कितना बचा है जी दोस्तों, 6,000। मान लीजिए अगर ये 6,000 पूरा का पूरा हम स्कीम बी में लगाएं, तो 6% 5 साल, 30% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6,000 का 30% कितना बनता, 1,800, अगर सारा पैसा स्कीम बी में लगाते। सिमिलरली अगर यही 6,000 प्रिंसिपल सारा का सारा हम स्कीम सी में लगाएं, तो 10% के हिसाब से 5 साल में कितना टोटल इंटरेस्ट मिलता, 50%। तो 6,000 का 50% करें तो कितना इंटरेस्ट मिलता, 3,000। बट हमने पैसा दोनों तरफ लगाया डिवाइड करके, तो हमें जो एवरेज दोनों से इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 2,000। तो एलिगेशन हमने यूज किया, तो यहां से हमें प्रिंसिपल की रेशियो मिल जाएगी। प्रिंसिपल की रेशियो कितनी आगी दोस्तों, 5:1। यानी जो 6,000 टोटल प्रिंसिपल बचा था, उसमें से 5,000 जो है हमने स्कीम बी में लगाया होगा, 1,000 हमने स्कीम सी में लगाया होगा थर्ड स्कीम में, तो उसने थर्ड वाला पूछा था, 1,000 हमने उसमें इन्वेस्ट किया, ऑप्शन नंबर सी। आई अगला देखते हैं, 1,200 रुपए का सम हमने इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट में हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है दोस्तों, 10% पर एनम, तो 18 महीने बाद कितना इंटरेस्ट बनेगा, मतलब दोस्तों 10% पर एनम
हाफ ईयरली हमें पे करना है, तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग अगर सोचें तो हमें 5-5% करके इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 3 बार। तो इसमें हम प्री मेथड यूज कर लेते हैं दोस्तों कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो पहली बार जब 5% इंटरेस्ट पे करेंगे तो 1200 रुपए का 5% पे करेंगे 60 रुपए, दूसरी बार भी 60 रुपए प्रिंसिपल का, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट तो इस 60 का भी 5% हम पे करेंगे 3 रुपए। जब तीसरी बार पे करेंगे तो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, उसके एडिशनल इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये तीनों इंटरेस्ट जो हमें मिल चुके हैं यानी 123 रुपये, 123 रुपये का भी हमें पे करना पड़ेगा 5%। ये कितना बनता दोस्तों 6.15। तो टोटल इतना इंटरेस्ट हम पे करेंगे, ये बन गया दोस्तों हमारे लिए 189.15। इतना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1.5 साल के अंदर। तो अमाउंट कितनी हो गई ये जोड़ के प्रिंसिपल के अंदर 1389.15। नेक्स्ट 4300 रुपीज का प्रिंसिपल कितनी अमाउंट बनाता है 4644 2 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट पे। तो हमें प्रिंसिपल पता करना है ठीक है जी, जिसकी अमाउंट 10104 बनेगी 5 साल के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सेम लगेगा जो पहले में लगे। तो पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। देखो पहले केस में कितना इंटरेस्ट मिला हमें 344 रुपीज, कितने प्रिंसिपल पे 4300 पे इंटू 100 ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 8%। तो टोटल हमें 8% इंटरेस्ट मिला, 2 साल में मिला तो पर ईयर कितना मिला होगा 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया। अब 4% के अकॉर्डिंग 5 साल में कितनी अमाउंट बन रही है दोस्तों 10104 ठीक है। अब 4% हर साल इंटरेस्ट लगना है, 5 साल का टाइम है तो टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा दोस्तों 20%, यानी जो अमाउंट होगी दोस्तों वो 120% हो जाएगी और उसकी वैल्यू हमें बताई गई है कितनी है 10104। तो हमें प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू निकालनी थी तो 100% की वैल्यू आएगी दोस्तों 8420 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 1200 फॉर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम अगर हम ईयरली इंटरेस्ट पे करेंगे ठीक है दोस्तों। 20% पर एनम पे करना है, 2 साल के लिए पे करना है, ईयरली पे करेंगे तो 2 बार पे करना पड़ेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 44%। ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यूज मैंने लिखवाई भी हुई है इसको याद कर लीजिए आसान रहेगा। तो हमें सिर्फ 1200 रुपए का 44% वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये आएगा दोस्तों 528 रुपए यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स सेम एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू द सम इटसेल्फ। कहते किसी प्रिंसिपल के ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम के बराबर है, यानी जितना प्रिंसिपल उतना ही इंटरेस्ट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 100% इंटरेस्ट हो गया क्योंकि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेम हो चुके हैं जी। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 100% होती है तो इंटरेस्ट भी 100% बन जाएगा। अब ये जो 100% इंटरेस्ट बना दोस्तों इसमें रेट और टाइम भी बराबर है R(NT), तो आर एन टी जब बराबर हो जाएंगे तो टोटल इंटरेस्ट बनता आर इंटू टी से, ये 100% है ठीक है, ये इक्वल है तो ये बन जाएगा दोस्तों आर स्क्वायर की वैल्यू 100% तो आर कितना हो जाएगा 10%। आर 10 है तो टाइम भी 10 ही होगा। तो हमें नंबर ऑफ इयर्स पूछा था, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेम है यानी 100% इंटरेस्ट हो गया। आई In how many years will simple interest on a sum of money equal to the principal at the rate of this? ठीक है जी, वही सेम चीज, इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल होना चाहिए। जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल के इक्वल है यानी कितना इंटरेस्ट हो गया दोस्तों टोटल 100% इंटरेस्ट हो गया। अब 100% इंटरेस्ट है दोस्तों ठीक है जी, कितने रेट पे 12/2/4 यानी कि 12.5% ठीक है जी, ये किसके बराबर 12.5%। तो वही फ्रैक्शन हम यूज करेंगे दोस्तों, पहले भी एक क्वेश्चन में बताया 12.5% किसके बराबर होता है दोस्तों 1/8।
तो यानी ये जो डिनोमिनेटर है इतने साल लगेंगे 100% इंटरेस्ट बनने में, तो आंसर हमारे लिए क्या होगा 8 ईयर्स। या फिर इसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था, टी इज इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर इंटू 100, आप ये भी यूज कर सकते हैं। आइए, टू इक्वल सम्स वर लेंट आउट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 6% एंड 10%। दो इक्वल प्रिंसिपल, एक हमने 6% पे, दूसरा 10% इंटरेस्ट पे दिया किसी को। पहला जो सम था वो हमने 2 साल बाद रिकवर किया, ठीक है जी, दूसरे के मुकाबले, यानी पहले वाले का टाइम 2 साल ज्यादा है दूसरे से, और दोनों के केस में अमाउंट कितनी है दोस्तों, 1105 रुपए। तो हमें बताना प्रिंसिपल कितना था। तो दोनों के केस में दोस्तों जो अमाउंट है वो हमें सेम करनी है, ठीक है जी। तो आइए अमाउंट सेम करते हैं दोस्तों, कितना होगा, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पहले केस में हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, p इंटू 6 इंटू टाइम एक्स प्लस 2 लेके चलते हैं जी, क्योंकि इसमें 2 साल एक्स्ट्रा है। और दूसरे केस में अमाउंट p प्लस इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, p इंटू 10 इंटू एक्स बाय 100 जी, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, तो इसमें ये p कैंसिल हो गया दोस्तों, ये 100 भी कैंसिल हो गया और ये p भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 10x और 4x की वैल्यू 12y, x कितना आ गया हमारे लिए 3, x की वैल्यू में मिल चुकी है दोस्तों 3, ठीक है। तो किसी भी एक चीज में हम वैल्यू पुट करके क्या निकाल देंगे, प्रिंसिपल निकाल देंगे। तो अब सेकंड केस में हम 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं दोस्तों, 3 साल का हमारे पास टाइम है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज किया होगा हमने, 30%। तो 30% के हिसाब से अमाउंट कितनी हो जाएगी, 130%, उसकी वैल्यू कितनी गिवन हमें, 1105। तो यहां से हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे दोस्तों, तो यहां से हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 850 रुपये, 850, ऑप्शन नंबर ए। आई नेक्स्ट, एक बंदे ने टोटल 105750 इन्वेस्ट किए, ठीक है जी, किसके नाम पे, सन डॉटर और वाइफ के नाम पे, और इस तरीके से इन्वेस्ट किया कि उन सबको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा, सन को 3 साल बाद, डॉटर को 4 साल बाद और वाइफ को 5 साल बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सेम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 5%। तो हमें बताना है वाइफ को कितना पैसा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम रेशियो से करेंगे इसको इजी करने के लिए। अब सन की बात करें, सन को 3 साल के लिए पैसे दिए 5% के हिसाब से, 3 साल 5% के हिसाब से, तो 15% इंटरेस्ट बनेगा सन का। सिमिलरली डॉटर का अगर हम देखें, डॉटर को 4 साल के लिए पैसे दिए 5% के हिसाब से, तो 20% इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। और वाइफ को 5 साल के लिए पैसे दिए 5% के हिसाब से, तो उसका टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 25%। तो ये वैल्यूज वो बोलता है क्या है, सेम, 15% ऑफ सन, 20% ऑफ डॉटर एंड 25% ऑफ वाइफ सेम है। तो इसकी रेशियो बना दो दोस्तों, 5 के टेबल पे ये कैंसिल हो रहे हैं, 3, 4, 5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेम है, तो एलसीएम इन तीनों का कितना बनता है, 60। तो उसके हिसाब से सन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, डॉटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15, और वाइफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो ये दोस्तों रेशियो बन जाएगी हमारे पास प्रिंसिपल की, यानी उसने जो पैसा डिवाइड किया वो किस रेशियो में डिवाइड किया, 20:15:12 की रेशियो में। तो हमें यहाँ से वाइफ का शेयर कैलकुलेट करना है, वाइफ का शेयर बनता है 12/47 इंटू 105750 रुपये। तो ये सॉल्व करने पे आएगा दोस्तों 27,000। तो उसने टोटल में से वाइफ को कितने रुपए दिए, 27,000, ऑप्शन नंबर डी। आई अगला देखते हैं, एक फार्मर ने टोटल कितना बोरो किया दोस्तों, 1,32,000 एक मनी लेंडर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है वो बंदा, 12.5% पर एनम एनुअली। 2 साल के बाद उसने अपना सारा लोन क्लियर कर दिया, जिसमें उसने इतना कैश पे किया 1,07,062.5 रुपीज, और एक साथ में अपना स्कूटर दिया। तो हमें बताना उस स्कूटर की कॉस्ट कितनी होगी। अब देखो दोस्तों, टोटल जो लोन क्लियर करना, यानी हमें अमाउंट को, अमाउंट निकाल के जितना कैश पेमेंट है वो माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो स्कूटर की वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 1,32,000। इस पे 2 बार इंटरेस्ट पड़ेगा 12.5% के हिसाब से, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी हो जाती है दोस्तों, 9, 1/8,
इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा वो 9/8 बनेगा, तो दो बार इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, 9/8 9/8, तो ये जो अमाउंट बनेगी दोस्तों ये बनेगी 1,67,062.5 रुपीज, ये टोटल अमाउंट है। अब इस टोटल अमाउंट में से उसने कैश कितना पे कर दिया दोस्तों, 1,67,062.5 में से 1,07,062.5 उसने कैश पेमेंट कर दी, तो बाकी कितना बचा दोस्तों, 60,000। जो उसने बचा 60,000 था वो स्कूटर की फॉर्म में पे किया, तो यानी जो स्कूटर की वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 60,000, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी दोस्तों, तो ये था हमारा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड लेक्चर। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो ट्रिक्स के साथ मैंने ऑरली किए वो भी आपको ट्रिक्स अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई किसी क्वेश्चन के अंदर तो हमें कॉमेंट सेक्शन के थ्रू अपना फीडबैक जरूर बताएं, और अगर हमारी वीडियोज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना आरआरबी एनटीपीसी एसएससी अपना टारगेट लेके चल रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपकमिंग वीडियोस आपकी मिस ना हो इसलिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।